नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मेडिसिन रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अतुल कुमार। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे मिसमी टैबलेट का। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भाई मिसमी टैबलेट का रिव्यू करो, मिसमी टैबलेट का रिव्यू करो, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि इस टैबलेट के क्या क्या यूजेज हैं और इस टैबलेट को खाने से क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं और ये टैबलेट किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, इन्हीं सभी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिसमी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिसमी टैबलेट की बात करें तो इसे जो है जी लेबोरेटरीज बनाती है और ये आपको 60 रुपये की केवल एक ही गोली मिलती है। 60 रुपये की एक गोली मिलती है आपको, मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप खरीद सकते हैं। इसमें जो है टेडेलाफिल 10 mg दिया होता है, जो कि आपने देखा होगा बायग्राम में जो है सिंडेलाफिल नाइट्रेट दिया होता है और इसमें जो है टेडेलाफिल दिया होता है। सिंडेलाफिल जो होता है पुरुषों के लिए होता है, तो जाहिर सी बात है ये टेडेलाफिल जो है महिलाओं के लिए होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये टेडेलाफिल जो है सिंडेलाफिल का एक अपोजिट है। इसमें जो है महिला की एक प्रिंट भी दी होती है बॉक्स पे, मिसमी टेबलेट के बॉक्स पे जो है महिला की एक प्रिंट भी दी होती है। ये जो है महिलाओं के अंदर जो है काम की सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाता है, यानी सेक्स के लिए उत्तेजित करता है। कुछ लोगों को मैंने सुना है, वीडियो देखी है, उनमें लोग कहते हैं कि एक ऐसी ड्रग है भाई कि इसे खिला दोगे तो महिला आपके पीछे पीछे भागने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इस टेबलेट, ये टेबलेट जो है महिला के अंदर जो है काम उत्तेजना को बढ़ा देती है, काम उत्तेजना को बढ़ा देती है, जिससे जो महिला का सेक्स करने का मन होने लगता है। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि आप भाई एक गोली खिला दो तो महिला आपके पीछे पीछे भागने लगेगी, सब काम छोड़ छाड़ के आपके पीछे भागने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये महिला के अंदर जब आप इस टेबलेट को खिलाते हैं, महिला या अपनी इच्छा से खाती है, तो ये महिला के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। महिला के जो जननांग होते हैं, वजीना होती है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो उससे जो होता क्या है, महिला के जो है हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब महिला के हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसका जो है सेक्स करने का मन हो लगता है। जब उसका सेक्स करने का मन हो लगता है तो आपके पार्टनर भी आपके साथ सेक्स करने के लिए इच्छा व्यक्त करने लगता है। और जब पार्टनर का भी कुछ, कभी कभी होता यह है कि आदमी का तो मन होता है लेकिन उसका जो पार्टनर जो होती है वो तैयार नहीं होती है, तो ये टेबलेट खिलाने से जो है उसकी जो है पार्टनर जो है का भी मन करने लगता है और आदमी का तो मन करने ही लगता है। जब दोनों का मन करते था, दोनों को जो है आनंद की, सेक्स के आनंद की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इस टेबलेट को खिला दो तो महिला आपके पीछे पीछे भागने लगेगी, नहीं। ये महिला के अंदर जो है काम की उत्तेजना को बढ़ा देता है और उससे उसका जो है सेक्स करने का मन होने लगता है। जब उसके हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका सेक्स करने का मन होने लगता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में, यानी इसकी डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको सेक्स करने से एक घंटा या आधा घंटा पहले ये टेबलेट जो है महिला को खिलानी है। और महिला जो है अपने आप भी खा सकती है। अगर आप, कुछ लोगों के सवाल रहते हैं क्या इस, क्या हम इस टेबलेट को जो है चाय, कॉफ़ी या मतलब कोल्ड ड्रिंक भी मिला दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेडेलाफिल जो है अपना काम करेगा ही। तो फ्रेंड्स, महिला अपने इच्छा से भी खा सकती है। बात है इसके साइड इफेक्ट की करें तो, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, कुछ लोग बहुत ही होशियार होते हैं, वो प्रेगनेंसी में भी चाहते हैं कि महिला से सेक्स करें। तो फ्रेंड्स, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे जो है टेडेलाफिल तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, यानी मिसमी टेबलेट नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा, कोई महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराती है तो उसे भी ये टेबलेट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो है टेडेलाफिल का असर जो है दूध के माध्यम से उसके बच्चे में भी पहुंच सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो है महिला का बीपी भी हाई हो सकता है। इससे महिला को सिर दर्द, उल्टी, बीपी हाई होना, बैक में पेन होना, तो होता ही होता है, ये तो होना ही है। और कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि यह प्रेग्नेंट वूमेन, हाँ प्रेग्नेंट वूमेन को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अगर किसी महिला का जो बीपी हाई रहता है तो उसे हमें ये टेबलेट नहीं देनी चाहिए। अगर कोई महिला जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती है
तो उसे भी हमें ये मिसमी टेबलेट नहीं देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टेबलेट के बारे में और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएँ, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का पता चल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो थैंक फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।